एक जगह गरीब को रिलीफ, ये सब स्टेरॉइड्स की, जैसे चीनी होती है ना, चीनी, आरजू जी आप चीनी खाइए, अचानक आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन वो सेहत के लिए खराब है। Assalamualaikum to all viewers, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जया मानी। Assalamualaikum दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम है उस्मान कुरैशी, वेलकम टू आवर चैनल। मैंने कहा कहने लगे थे मेरा नाम है मोहब्बत। अच्छा मुझे ऐसे लगता था सो व्यूअर्स, ये सीरियस रहने नहीं देती है और मतलब मुझसे मजाक किया नहीं जाता है। तो भाई आज की वीडियो आप लोगों को पता है, इसका हमने पार्ट वन बनाया था, पार्ट टू नहीं बनाया था। तो बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं भाई पार्ट टू भी लेकर आए। तो मेजर गौरव आर्या सर की कन्वर्सेशन है विद आरजू काजमी के साथ, ठीक है? तो थोड़ी सी वीडियो छोटी सी है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं लगेगी आपको। तो पहले इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 पिल्ले। क्या करना है बाजवा साहब ने सिंपल सी बात बोलने, मैंने आईएसआई को लगा दिया, जिसने पैसा खाया मैं उसको उल्टा टांग दूंगा गली से, ठीक है? मुझे ये चाहिए। कोई मीटिंग्स नहीं होंगी ऐसी कि सर मैं ये सोचता हूं। सोचना क्या है, एक बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हुक्म दे दिया, कहानी खत्म हो गई। फौज में तो ऐसे ही चलता है, फौज में हुक्म के बारे में एनालिसिस थोड़ा ना होता है कोई। वंस एन ऑर्डर इज पास्ड, एन ऑर्डर इज पास्ड, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो वही फॉर्मेट अगर आप सिविल स्ट्रीट में लाएंगे तो कुछ लिमिटेड समय तक आपको अच्छा दिखेगा, कुछ लिमिटेड समय तक आपको फैंटास्टिक प्रोग्रेस दिखेगी। आप बोलेंगे यार ये तो जन्नत हो गई यार, फौजियों को आना चाहिए, फौजी तो ऐसे करते हैं काम हो जाता है, यूं करते हैं तो ट्रेन समय पे चल जाती है, यूं करते हैं तो प्राइसेस रुक जाते हैं, एक जगह गरीब को रिलीफ। ये सब स्टेरॉइड्स की, जैसे चीनी होती है ना, चीनी, आरजू जी आप चीनी खाइए, अचानक आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन वो सेहत के लिए खराब है। आप शुगर खाएंगे, अचानक आपको बर्स्ट ऑफ एनर्जी मिलेगी, लेकिन वो सेहत के लिए खराब है। ये फौज वैसी होती है, इट इज लाइक शुगर, सेहत के लिए खराब है लेकिन इंस्टेंट बर्स्ट ऑफ एनर्जी मिल जाती है, उसी उसी में यूफोरिया हो जाता है कि साहब बड़ा तीर मार दिया फौजी ने, ऐसा नहीं है कुछ। लेकिन भारत में किस तरह से रोका गया है कि कभी भी फौज जो है उसको हमने नहीं देखा कि वो आई हो और कब्जा किया हो उसने हुकूमत पे? शायद कभी एक दफा शायद हुआ हो पहले, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता जहां तक मेरी मेमोरी है। तो आपका क्या ख्याल है कि कैसे रोका गया? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी फौज का दिल ना चाहता हो कि जी हम भी जो है हुकूमत करें या हम कुछ ऐसा करें? आरजू जी कभी ऐसा हुआ नहीं कि भारतीय सेना ने बोला कि हम चढ़ दौड़ेंगे प्रेसिडेंशियल पैलेस में, राष्ट्रपति भवन, ऐवान सदर पे, हम भी चढ़ दौड़ेंगे, ऐसा आज तक नहीं हुआ 75 साल में। उसकी दो तीन वजहें हैं। एक तो फौज चाहती भी नहीं थी डे वन से, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि वील टेक ओवर एंड वील डू दिस एंड वील डू दिस। प्रोफेशनल आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी का सिर्फ ये मतलब, अगर प्रोफेशनल आर्मी का ये मतलब है कि लड़ना जानते हैं अच्छी तरीके से, तो फिर तो पाकिस्तानी आर्मी भी प्रोफेशनल है। मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी आर्मी को देखा है, मेरे सामने पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट थी। जूनियर लीडरशिप पाकिस्तानी आर्मी की काफी अच्छी है, आपके लेफ्टिनेंट्स, आपके कैप्टन, आपके मेजर्स, आपके लेफ्टिनेंट कर्नल तक। वो ब्रिगेडियर होने के बाद कुछ इनमें पता नहीं क्या अजीब सी जिसमें एक हरारत सी आ जाती है ब्रिगेडियर बनने के बाद ना, कुछ हो जाता है इनको। लेफ्टिनेंट कर्नल तक के ठीक रहते हैं, जब ना प्रोफेशनल सोल्जरिंग होती है पाकिस्तानी फौज में, आगे चल के कुछ फीवर वीवर चढ़ जाता है ब्रिगेडियर कर्नल बनने के बाद। खैर मैं आपको बताता हूं अर्जुन जी कि ऐसा है इंडिया में, इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग थी, कैसी भी थी, जैसी भी थी, बट देवर आइडियोलॉजिकल पीपल, देवर वेरी वेरी स्ट्रांग पीपल। नेहरू जी थे उस समय, गांधी जी भी जिंदा थे, राइट? फिर गांधी जी का निधन हो गया कुछ समय के बाद, इंतकाल हो गया उनका। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज वन ऑफ द जायंट्स ऑफ, यू नो, वन ऑफ द जायंट्स, एंड देयर आर सो मेनी। मतलब मैं आपको नाम लूंगा तो बिल्कुल एक अलग प्रोग्राम हो जाएगा नाम लेने में, इतने नाम है। तो हमारी डेप्थ बहुत थी, जैसे हम लोग कहते हैं ना क्रिकेट की टीम होती है जिसमें कहते हैं बैटिंग लाइनअप की डेप्थ होती है, नंबर सेवन नंबर एट बैटिंग करता है जिसको कहते हैं ना, तो उसको स्कोर की। तो इंडिया में हर समय पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी हुई है, नंबर सेवन नंबर एट तक बैटिंग करते हैं, फिर उसके बाद स्पेशलिस्ट बॉलर है जो भी 20-30 रन बना लेते हैं, इस टाइप का इंडिया में। एक तो वो, दूसरी चीज फौज ने, मैं फौज के अंदर रहा, मैंने कभी नहीं सुना किसी से, कभी नहीं सुना फौज में एक बार भी, और अभी भी मैं, ऐसी बात नहीं कि मैं 5-5.5 साल फौज में रहा फिर मैं छोड़ के चला गया, अभी भी मैं हर 10-15 दिन किसी ना किसी फौज के एरिया में रहता हूं शूटिंग के लिए या मिलने जुलने के लिए, मेरे दोस्त हैं, मेरे कोस्टमेट्स हैं, मैंने आज तक एक इनफॉर्मल बात भी नहीं सुनी कभी ऐसी। हाँ उनके वो अपना
अपने अंदर लगे रहते हैं, पता नहीं क्या है उनका, है ही नहीं ऐसा कोई कि हम चढ़ जाएंगे कर लेंगे ऐसा। और इंडिया इज टू बिग ऑल्सो अर्जुन जी, अब ये भी देखिए ना, आप इतना बड़ा मुल्क है, जो मिलिट्री टेक ओवर होते हैं ना अक्सर छोटे मुल्कों में होते हैं, आप कभी देखिएगा, आप जो जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, जिसमें जिसमें यू नो लैंड मास ज्यादा होता है ना, उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता, बट इट बिकम्स डिफिकल्ट, अ लिटिल डिफिकल्ट, कि बड़े मुल्कों में आपने टेक ओवर, इंडिया जैसे मुल्क को आप कैसे टेक ओवर करेंगे 130 करोड़ लोगों को। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें साथ साथ एक चीज और भी बहुत से लोग पूछते हैं और कहते हैं, बात करते हैं, क्योंकि अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो कई बार जंग हो चुकी है, कई बार एक दूसरे के ऊपर बात की जाती है, लेकिन जाहिर है इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है अगर पाकिस्तान से कंपेयर करें, लेकिन फिर भी कभी भी इंडिया जीत नहीं पाया, अगर कहें तो हमारी साइड का कश्मीर आप जैसे ले लेते या हम आपकी साइड का ले लेते, ऐसा कभी हो नहीं पाया। तो क्या वजह लगती है आपको कि क्यों पीछे हट जाते हैं दोनों मुल्क? नहीं, पीछे इंडिया कभी नहीं हटा अर्जुन जी, और ये लेने वेने की बात है ये तो हो जाएगा, ये हमारे 1994 में हमारे पार्लियामेंट में, यू नो देयर इज अ दिस थिंग प्रॉपरली, इट्स अ दिस थिंग ऑफ पार्लियामेंट 1994 का, कि इंटायर कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया इंक्लूडिंग गिलगित बल्टिस्तान। एंड देखिए मैं आपको बात बताता हूँ ना, कि पाकिस्तान में थोड़ी सी गलत फहमी है कि जो भी चीज करेगी फौज करेगी, क्योंकि आपके यहाँ बिजली का बिल भी फौज उठाती है ना, इलेक्शन भी फौज कराती है, तो एक कश्मीर भी फौज लेके देगी। और ऐसी बात नहीं है कि आपकी फौज ने कोशिश नहीं करी, 1965 में करी, 1947-48 47-48 में आपकी फौज करी, मेरे पास किताबें पड़ी हैं आरजू जी, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, पीडीएफ फाइल पड़ी है, रेडर्स इन कश्मीर, मेजर जनरल अकबर खान की किताब है, पाकिस्तान के मेजर जनरल थे, जिन्होंने ये बोला कि साहब हाँ मैं लेकर गया था बंदे, मैंने ट्रेन करा था, मैंने भेजा था, जिन्ना साहब ने बोला था मुझे, मैं लेकर गया। तो फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स पढ़ी है, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स जनरल अयूब खान की किताब, और आप पाकिस्तानी मिलिट्री आर्काइव्स पढ़िए, आपको पता लगेगा कि 1965 की जंग शुरू करी, इन द लाइन ऑफ फायर आप पढ़िए परवेज मुशर्रफ की, तो कारगिल वॉर के बारे में जिसमें लिखा है। तो आरजू जी आपको पता लगेगा कि कश्मीर के ऊपर जो लड़ाइयां हुई हैं वो पाकिस्तान ने शुरू करी हैं, और इसमें एक बहुत बड़ी बात थी जो पाकिस्तानियों ने, एक वॉर प्लान जो अपने बनाए थे उसमें एक उनका अजम्पशन था, जैसे अजम्पशन लेते हैं ना हम लोग जब जंग के प्लान बनते हैं, तो उसमें अजम्पशन होते हैं कि ये हम अज्यूम करेंगे, ये हम, ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, अज्यूम करके इन्होंने ये सोचा था कि जब हम इंडिया के अंदर घुसेंगे लड़ाई करने के लिए तो कश्मीरी मुसलमान हमारे लिए उठ खड़ा होगा और भारत से बगावत कर देगा। ये अयूब खान ने भी सोचा था, ये 1947-48 में भी सोचा था जिन्ना साहब के टाइम पे, ये परवेज मुशर्रफ ने 1999 कारगिल में भी सोचा था कि जैसे ही कश्मीरी मुसलमानों को ये पता लगेगा कि पाकिस्तानी फौज आ गई है तो अपने घरों से निकल जाएंगे और नारा तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लेके हम मिल जाएंगे और भारतीय सेना को परेशान करेंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे। आज तक एक कश्मीरी मुसलमान नहीं करना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ऐसे क्राइसिस चल रहे हैं कि पाकिस्तान अपना मुल्क नहीं संभाल पा रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान के पॉलिटिक्स अपना जो देख सकते हैं कि वो जो सिस्टम अभी आपके सामने चल रहा है, ठीक है, मतलब सारे वर्ल्ड को पता है कि पाकिस्तान के कितने क्राइसिस चल रहे हैं, पाकिस्तान कितने एक कितनी परेशानियों में गुजर रहा है, पेट्रोल का रेट ऊपर जा रहा है, डॉलर ऊपर इनसे संभालना नहीं हो रहा है, इकॉनमी हमारे पाकिस्तान की गिर रही है, ठीक है, जीडीपी का तो पता ही नहीं चल रहा है कि जीडीपी जाके गिर रही है, ठीक है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, तो मतलब भाई अपना मुल्क नहीं संभाले जा रहा तो कश्मीर को कैसे संभालेंगे, ठीक है। मुझे एक और बात बड़ी जबरदस्त लगी थी, एक और मतलब इंडिया के लोग थे वो कश्मीरी थे, ठीक है, उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा यार आप बार बार कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का, तो मुझे बड़े मजे की वो बात लगी थी। अच्छा उसने कहा यार आप अपना मुल्क पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं बना पा रहे, कश्मीर को क्या पाकिस्तान बनाएंगे। बहुत फनी सीन था वो तो यार, बात तो ये सोचने की है ना कि आप अपने मुल्क को पहले कंट्रोल करें, अपने मुल्क को बनाएं कि आपका मुल्क क्या है, उसके बाद सोचें भाई, और कश्मीर जो आपके पास है पहले उसको संभालें, वही बहुत है। और दूसरी बात मेजर साहब की, एक एक बात जो होती है हक और सच पे होती है, ठीक है, और साथ साथ अर्जु अर्जु जी जो पॉइंट्स उठाती है ना, उनको डिफाइन करते हैं मेजर सर, वो छोटा सा पॉइंट उठा के खामोश हो जाती है, इतनी तकरीर उनको भी नहीं आती जितनी मेजर सर को आती है। सो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, और यहाँ पे भी मामला वही है मेजर और अर्जु जी का, ये एक बात करके खामोश हो जाती है और मुझे पूरा मुद्दा बताना पड़ता है शुरू से लेके। जब आप बोल रहे होते हैं तो मैं, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बट वीडियो की अगर बात करते हैं उसका रिएक्शन तो मैं दे ही रही हूँ,
और ये रिएक्शन इसका यही है कि मुझे बहुत बेस्ट लगी है इनकी गोलाबारी की जो बातें जी। होती तो हैं सर आप की। देखें ना ये सर बहुत कि अच्छी बात है एक और मैं बात करना चाहता हूँ। देखें इसी कन्वर्सेशन में एक और बात समझ आ गई कि देखें पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना उसमें आप ये देखिए कि शुरू से एक मसीहा वाला कॉन्सेप्ट है बिल्कुल कि एक मसीहा आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसा यहूदियों के अंदर भी सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो उनकी जो वो दीवार गिरिया है ठीक है तो जो इसराइल में है हाँ, जिसको वो है। समझते हैं कि यहाँ पे हमारा मसीहा आएगा और वो बिल्कुल, बात बिल्कुल ठीक है। खड़े होके वो बात तो उनके लिहाज से ठीक है हैं। लाइक अज़ दज्जाल की अगर बात करें तो वो उनका डेफिनेटली मसीहा है जिसने आना है ठीक है। तो ये सोच यहूदियों तक है तो समझ आती है लेकिन जब मुस्लिम ये सोच अपने पास ले आते हैं ना तो ये बात गलत है ठीक है। आप बिल्कुल आप ये देखें सबसे बड़ी बात कि अभी इमरान खान रिसेंटली को उन्होंने अपना मसीहा बनाया कि वो आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा और ऐसा ही है भाई उसके मानने वाले उसको अपने मसीहा समझते हैं और उसके नाम पर कत्ल भी कर देंगे सब कुछ कर देंगे ठीक है। We hope सबके मुल्क के हालात अच्छे हैं। तो और एक और मेजर सर की बात मुझे समझ आती है तो यार ये बीच में बोल के ना सब भुला देती है मसीहा तो बात नहीं नहीं इमरान ऐसी बात नहीं है मैं कुछ और बात बता रहा था। तो यही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चलती हुई है कि एक बंदा आएगा सब ठीक कर देगा। अभी देखिए अब मुझे मेजर साहब की एक और पॉइंट मैंने पकड़ा है वो कह रहे कि यार देखिए अब सॉरी मेजर साहब नहीं मुझे अवैसी साहब की बात याद आ रही है वो कहते हैं कि यार एक बंदा लीडर बैठा हुआ है ठीक है उसके नीचे बंदे हैं वो खराब चल रहे हैं वो जैसे भी चल रहे वो कहता नहीं यार मैं तो ठीक हूँ ना मैं तो ठीक हूँ तो यार ये तो फिर बात समझ नहीं आती ना आप ठीक हैं आपके बंदे ठीक क्यों नहीं है मुझे नहीं पता। हाँ वो ये कहते हैं मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं वो क्या खराबी फैला रहे हैं मैं तो ठीक हूँ ना। सो व्यूअर्स बातें हो जाएंगी लंबी तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ख्याल रखिएगा हम दोनों को दीजिए इजाजत।